अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, माशाल्लाह आप भी ठीक होंगे इंशाल्लाह। और बताएं व्यूअर्स, आप लोग ठीक ठाक हैं? और व्यूअर्स आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे आप लोग के साथ कैसी रेसिपी शेयर करनी है। अगर कुछ मेरी रेसिपी में कुछ भी नहीं ठीक है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह उसे हम सुधारने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और बस आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहें और मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी प्यारी सी हवाएं चल। और व्यूअर्स आप भी बताएं कि मैं क्या रेसिपी में क्या चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। ये देखें कितना प्यारा मेरा फ्लावर्स है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखिए कितना प्यारे 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 से हैं, हवाएं भी चल रही हैं ठंडी ठंडी सी, वैसे धूप काफ़ी है, इतनी सुबह है लेकिन धूप देखो कितनी तेज़ है और माशाल्लाह से हवाएं भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। तो ये मेरा फ्लैग है और 15 अगस्त है, हर घर पे लगे हुए हैं, घर घर पे कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पे लगे हुए हैं। और ये बादल देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, धूप भी है बादल भी हैं, कैसा मेरा फ्लैग लहरा रहा है माशाल्लाह से, कितना अच्छा लग रहा है। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना व्यूअर्स कि मैं आप लोग के साथ कैसी रेसिपी शेयर करूँ। और व्यूअर्स अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक है और आप लोग भी ठीक ठाक रहें, मेरा साथ देते रहें। इंशाल्लाह हर दिन मैं एक नई रेसिपी के साथ आप लोग के साथ ज़रूर शामिल होंगी। तो और क्या बताएं, सब ठीक ठाक है माशाल्लाह से, बस मैं आपको अपने फ्लावर्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखें मेरी भांजी कितनी ज़्यादा खुश है, मेरी बिट्टू, और कितनी मस्ती में चल रही है, बिल्कुल मस्त मस्त चार, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है क्योंकि ये फ्लैग लिए हुए है तिरंगा, इससे बहुत ज़्यादा खुश है। एक बार फिर हम हाजिर हैं जेड स्टार किचन में और आप लोग के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं काजू बिरयानी, काजू एग बिरयानी। तो मैंने लिए हैं यहाँ पर 8 अंडे और 6 काजू और थोड़ा सा नारियल बुरादा और अदरक लहसुन पेस्ट और ऐसे मोटी मोटी पीसी हुई हरी मिर्ची, प्याज हाफ लेमन, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून पत्ता लकड़ी, थोड़ी सी जात्री और जायफल, हाफ टी स्पून लौंग इलायची हरी इलायची, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक। और अब हम ऐड करने जा रहे हैं व्यूअर्स अंडे, इसे भी फ्राई करेंगे। और कुछ हैं ये काजू जो इसे हम ऊपर से फ्राई करके डालेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ जेड स्टार किचन में। तो ये देखिए गोल्डन हो गई है व्यूअर्स और अब हम निकाल रहे हैं अंडे। तो ये देखें मेरा प्याज जो है बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो गया है और इसे हम थोड़ा सा निकाल रहे हैं व्यूअर्स। ये सारी चीज़ें मैंने फ्राई कर ली हैं और इसी में हम ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक पेस्ट। तो व्यूअर्स मैंने आज सारे मसाले पाउडर में लिए हैं और मैंने लेमन इसलिए इसमें डालने हैं कि मेरी जो बिरयानी है वो मैंने देसी चावल में बनानी है
तो लेमन का जूस जब इसमें हम डालेंगे तो इसका ये जो ब्लैकपन आ जाता है ना, ये नहीं होगा, बिल्कुल खिली खिली साफ साफ सी बिरयानी रहेगी। चावल में वैसे हम डालते हैं, लेकिन इसमें जब हम डालेंगे ग्रेवी में तो इसका कलर ज़्यादा ब्लैक नहीं होगा, यानी ब्राउन नहीं होगा, हल्का ब्राउन होगा, तो इसलिए हम इसमें लेमन यूज करेंगे। और मीडियम साइज दो टमाटर मैंने लिए हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं हरी मिर्ची। इसी में डाल रहे हैं सारे मसाले। और इसी में हम ऐड करेंगे टमाटर, लेमन। तो मैंने मसाला भुनने तक के लिए मैंने इसे कवर करके रख दिया है। अब हम बनाने जा रहे हैं चावल। और मैंने चावल का पानी रख दिया है, उसमें मुझे डालने हैं 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और ये कुछ दाने हैं धनिया के, और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, और जो मैंने ग्रेवी बनाई है उसमें भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। और ये मैंने लिए एक हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 टुकड़ा लकड़ी, 1 पत्ता, और इसे हम एक साथ में ऐड कर रहे हैं पानी में। ये देखिए व्यूअर्स, मेरी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। और इसे हम चावल डाले जा रहे हैं इसमें, लेयर टू लेयर। ये मैंने लेयर पे लेयर मैंने रख दिया है। और ये देखिए मेरी बिरयानी, अभी से हम रख रहे हैं दम पे। मैंने इसे दम पे लगा दिया है, 5 मिनट में अभी ये रेडी हो जाएगी। ये देखें मेरी तिरंगा एक बिरयानी बिल्कुल रेडी है। देखें इसका कलर, इसका लुक देखें, माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। आज 15 अगस्त है, इसी पे मेरी बेटी ने बनवाई है तिरंगा काजू एक बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जेड स्टार ब्लॉग। सो आज मेरी मम्मा ने बनाई है तिरंगा काजू एग बिरयानी। ये देखिए, कैमरा में सही नहीं दिख रहा है, बाकी सामने से बहुत टेस्टी दिख रही है। आप लोग एक बार इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है तिरंगा काजू एग बिरयानी। उसके साथ है हमारी ये स्वीट है, ये देखिए कितनी माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है तिरंगा एग स्वीट। सब आज हमारे यहाँ तिरंगा ही तिरंगा बना हुआ है, और ये होममेड है, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, ये होममेड स्वीट है। सो आप लोग इसकी रेसिपी एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना इसकी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, मैं तो खा रही हूँ, आप लोग भी आइए हमारे साथ खाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हाँ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, ये मैंने देसी चावल बनाए हैं। मेरी मम्मा ने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं तो मुझे हर एक चीज़ अपने देश की चाहिए, तो ये मैंने देसी चावल बनाए हैं। तो इसमें ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी खुशबू है। और हाँ, मैंने फूड कलर के साथ केवड़ा वाटर का भी ऐड किया है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें,
और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे रेगुलरली YouTube फैमिली में से हैं तो मेरे चैनल, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। तो अपनी बेटी को हम देने जा रहे हैं यही चीज़ें, और वो कह रही है हम यही खा के स्कूल आज जाएंगे। तो आज वो रोटी नहीं खा रही है, कोई भी नाश्ता नहीं कर रही है, क्योंकि इसने खुद ही बनवाई है मुझसे। तो ये देखें, फ्लैग लगा हुआ है, तिरंगा फ्लैग हर घर पे। और आज मेरे यहाँ ना बहुत ज़्यादा जुलूस था और बहुत अच्छा लग रहा था, हर लोग की छतों पे लगा हुआ है, रैलियाँ भी थी, बहुत अच्छा लगा। बच्चे थे नहीं इसलिए हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। अगर मेरी बेटी होती है जाइना तो वो शूट कर लेती है, और ये मैं आप लोगों को सरदार से दिखा रही हूँ अपनी, और आप मेरा गांव भी देख लें। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है, हर तरफ लगा हुआ है, और आज तो बहुत ज़्यादा जुलूस भी था। बच्चे बिल्कुल रेडी हैं स्कूल जाने के लिए, ये देखें। तो इन्होंने कहा पहले हम तिरंगे को सलूट कर लेते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं। कैसा लहरा रहा है तिरंगा।